वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम बीम में कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करते हैं उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड है मोमेंट एरिया मेथड एंड थर्ड है मैकलॉस मेथड। सो हम किस तरह से बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि इस तरीके से है, एम इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर। तो हम इसकी मदद से कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले किसी भी बीम में हम मोमेंट लिख लेते हैं किसी भी सेक्शन पे, और उस मोमेंट को जब हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स आता है जो कि स्लोप होता है, और जब हम उसको वापस से डबल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वाई आता है जो कि डिफ्लेक्शन होता है। तो जो डी वाई बाय डी एक्स होता है वो हमारा स्लोप होता है, और जो वाई होता है वो डिफ्लेक्शन होता है। तो हम किसी भी बीम में इस इक्वेशन की मदद से स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड एंड मैकलॉस मेथड। तो एक एक करके इन तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड हम लेते हैं मैकलॉस मेथड। अब जो मैकलॉस मेथड है वो कहाँ पर यूज़ आएगी, जहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट लोड होंगे दो या तीन या फिर UDL होगा, तो वहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, मैकलॉस मेथड। आगे बढ़ते हैं। सो मैकलॉस मेथड क्या बोलती है, द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन इसेंट्रिक पॉइंट लोड्स एज मैंशन इन फिगर। सो मैकलॉस मेथड वही है कि जब आपके पास सीरीज ऑफ लोड्स होते हैं तो हम मैकलॉस मेथड की मदद से किसी भी पॉइंट या किसी भी सेक्शन पे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सो क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड कैरीज टू पॉइंट लोड्स ऑफ 48 kN एंड 40 kN एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, फाइन। तो उसने तीन चार हमको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड, तो जो भी लोड लगे हुए हैं 48 और 40 kN तो उसके अंडर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है कि पूरे बीम पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे आएगा, एंड द पॉइंट एट विच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स, और वो पॉइंट बताना है कि लेफ्ट सपोर्ट या राइट सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे। यहाँ पे इन्होंने ई और आई की वैल्यू गिवन है, ई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² एंड I इज इक्वल्स टू 85 × 10⁶ mm⁴। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो आपका E और I है वो हमेशा E आपका न्यूटन पर mm² में रहना चाहिए और I जो है वो mm⁴ में रहना चाहिए। अगर आपको मीटर या फिर और किसी यूनिट में दे तो आप इसको चेंज कर लें। चलिए फिगर देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा उसने बताया है कि एक बीम है जिस पे 48 kN लग रहा है 1 मीटर, तो ए सपोर्ट से 1 मीटर पे हमने 48 kN का लोड लगा दिया, और 3 मीटर पे लग रहा है 40 kN, और जो स्पान है हमारा बीम है वो 6 मीटर की है। तो सबसे पहले तो हमने फिगर देख लिया। उसके बाद हम रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो आर ए और आर बी हमको फाइंड करना है। सो आर ए और आर बी हम फाइंड कर सकते हैं, टोटल लोड लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी कितना होगा, और फिर मूवमेंट ले सकते हैं ए के अबाउट, और ए के अबाउट हम उसमें रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए के अबाउट मोमेंट लिखा, तो आर बी इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48 × 1 प्लस 40 × 3, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 168। तो 168 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 28 kN हमारा आर बी हो जाएगा। आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लोड है हमारे पास 48 प्लस 40, उसमें से हम 28 माइनस कर देंगे, तो आर ए हमारे पास आ जाएगा कितना, 60 kN। नाउ अब इसमें क्या होता है कि हर सेक्शन पे हमको मोमेंट लिखना रहता है। तो यहाँ पे कितने सेक्शंस बन रहे हैं देखो, एक बनेगा ए और सी के बीच में तो उसमें हम लिखेंगे, फिर एक सेक्शन बनेगा सी और डी के बीच में उसमें हम मोमेंट लिखेंगे, और एक सेक्शन हमारा बनेगा बी और डी के बीच में तो उसमें हम मोमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप तीन बार मोमेंट लिखेंगे, मतलब तीन सेक्शन लेंगे और उन पे मोमेंट लिखेंगे। सो कंसीडर द सेक्शन एक्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द बीम, द मोमेंट एट दिस सेक्शन इज गिवन बाय। सो हमारे पास इक्वेशन होती है एम इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर।
तो यहाँ पे हम एम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट सेक्शन में हम मोमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद जब आप सेक्शन चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से उसको शो कर सकते हैं। फिर जब हम सेकेंड वाले में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स तो हमने लिख दिया, माइनस 48 इंटू, अगर ये डिस्टेंस एक से आपकी ए और सेक्शन तक, तो माइनस 1 कर देंगे तो आपसे लोड उस पर लिख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि रिएक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और लोड को हम नेगेटिव लेते हैं। फिर जब हम सेक्शन बी और डी में जाएंगे तो फिर उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, फिर लोड आ रहा है तो माइनस लिखेंगे 40 इंटू, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है और ये डिस्टेंस 3 है तो हम उसको x माइनस 3 लिख देंगे। चलिए अब इसको आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ गई है 60, तो 60 इंटू एक्स, फिर सेक्शन चेंज हुआ माइनस 48 इंटू एक्स माइनस 1, फिर सेक्शन चेंज हुआ फिर माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 3। अब जब हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन आएगी, और जब हम उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आएगी। तो चलिए इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हमने इंटीग्रेट करा तो 60x² / 2 आया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट आता है तो प्लस c1 लिख देंगे हम पहले ही सेक्शन में, फिर माइनस 48x - 1² / 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 40x - 3² / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 30x² + c1 माइनस 24x - 1² माइनस 20x - 3². जब आप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाएंगे तो इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30x³ / 3 प्लस c1x + c2, फिर इधर आ जाएगा माइनस 24x - 1³/3, फिर आ जाएगा माइनस 20x - 3³/3। इसको और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x³ + c1x + c2 माइनस 8x - 1³ माइनस 20/3x - 3³। अब हमारे पास यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस देखो क्या होगी, जब हम a पर होंगे तो a पे हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा और x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 6 लेंगे b पर तो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन कितना होगा 0। तो हमारी एक कंडीशन और क्या आ जाएगी, एट x इक्वल्स टू 6 y इज इक्वल्स टू 0। सो हम इसमें जो आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वहाँ पे y 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू, अब देखिए जब हम इस वाले पार्ट पे हैं a वाले पार्ट पर तो सिर्फ हम जो आपका स्पान हम कंसिडर करेंगे सिर्फ आर ए इंटू एक्स ही करेंगे, ठीक है। यही मैक्लोज मेथड की अप्रोच होती है कि जिस स्पान में आप उसको रख रहे हो x की वैल्यू, सिर्फ वही स्पान आपको लेना है, मतलब बाकी का जो डॉटेड के बाद जो इक्वेशन है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। तो सिर्फ हम ये पहली वाली पार्ट ही कंसिडर करेंगे जब हम इस स्पान के अंदर x ले रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 0 में सिर्फ यही आएगा, तो y 0 हो गया, x 0 हो गया, यहाँ पे भी c1 इंटू 0 हो जाएगा, तो c2 आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए c2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। नाउ जब आप x 6 मीटर कंसिडर करते हैं तो मतलब आप तीनों स्पान कंसिडर कर रहे हैं, तो तीनों स्पान के लिए पूरी इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगी। तो जब आप तीनों इक्वेशन के लिए लिखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c1 मिल जाएगा। सो y 0 है, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है प्लस c1 इंटू 6 प्लस c2 आप निकाल चुके ऊपर 0, माइनस 8 इंटू c1 6 - 1³ माइनस 20/3 6 - 3³। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो इधर माइनस 980/6 डेट इज माइनस 163.33। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू आई है हमारे पास c1 और c2 की, इनको हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन और स्लोप इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो ये हमारे पास आ गया EIy = 10x³ - 163.33x, फिर डॉट माइनस 8x - 1³ फिर डॉट माइनस 20/3x - 3³। अब क्या है कि जहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है अगर वो स्पान उसमें आ रहा है तो उसको ही कंसिडर करेंगे, जैसे अंडर ईच लोड बोल रहा है तो ठीक है ना, अब अपन ये दो कंसिडर कर सकते हैं। तो EY = सबसे पहले हम ये वाला कंसिडर करेंगे फर्स्ट पार्ट,
तो 1 मीटर पे हमारा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा सेकेंड जो आपका है पार्ट। तो सिर्फ हम ये वाला आगे वाला कंसिडर करेंगे और उसमें 1 रखेंगे तो हमारे पास वाई सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, और आंसर आपका mm में आ जाएगा। ई और आई की वैल्यू आपको दे रखी है वो हम पुट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन अंडर सेकेंड लोड। तो सेकेंड लोड देखो आपका कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड लोड आ रहा है आपका 3 मीटर पे, तो हम वहाँ पे कितना रख देंगे, 3 मीटर रख देंगे, ठीक है। तो ये हम दोनों कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आगे के दो पार्ट हम कंसिडर करेंगे, वो करते हैं। तो ई आई वाई डी इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स क्यूब माइनस 163.33 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ई और आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 16.7 mm। तो ये हमारे पास अंडर ईच लोड का वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहाँ पे आता है जहाँ पे आपका जो स्लोप है वो ज़ीरो होता है। तो जो स्लोप की आपकी इक्वेशन है वो, जो आपकी स्लोप की इक्वेशन है वो आपको कैसे मिलेगी, तो जो आपका जो C1 और C2 की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो C1 और C2 की वैल्यू स्लोप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन, और फिर उसमें हम dy/dx मतलब जो स्लोप है उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक स्लोप की इक्वेशन बनी थी, ई आई डीवाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू 30x² प्लस C1 माइनस 24x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी क्या वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए 30x² प्लस C1 माइनस 24x माइनस 1 होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई 2.87 मीटर। तो 2.87 जो मीटर है वो आपका C और D के बीच में आएगा। तो हम सिर्फ उन दोनों को कंसिडर कर लेंगे, मतलब EYD इज इक्वल्स टू 10x³ माइनस 163.33 x माइनस 8 x माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 2.87 तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, वाई मैक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस 16.745 mm। तो मैकलोज मेथड से हम किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। हम उसकी इक्वेशन बना लेंगे जितने भी लोड होंगे उनके बीच में जो सेक्शन है वो, और फिर किसी भी पॉइंट पे हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं और किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।